Hey, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि काफी पेंडिंग थी। आपको पता है ईद के दिन कैसे गुजरे, काफी बिजी रहे, कोई रेडी शेडी नहीं हुए। उसके बाद तीनों चारों दिन हमारे मतलब गेस्ट आते रहे। उसके बाद पापा आए, पापा के वेलकम वगैरह किया, उसमें भी हम रेडी नहीं हो पाए ना, चीजें वगैरह देख पाए कि हम क्या लेके आए हैं, क्या हमें गिफ्ट मिले हैं, क्या हमने शॉपिंग की है। तो आज मैं आपके साथ अपनी वो जो शॉपिंग है, जो हमने कुछ शॉपिंग की थी, जैसे कि आपने देखा था मदर्स डे स्पेशल शॉपिंग भी थी वो भी, और कुछ और भी चीज़ें वगैरह जो कि गिफ्ट्स वगैरह आए हैं फ्रेंड्स वगैरह के, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी। तो आज बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। अपने एंड तक जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मेरे पहले ट्रिप फैमिली बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करती हूँ आपके साथ शेयर करना चीज़ें। तो सबसे पहले आपने ऑलरेडी देखा होगा कि ये वाला तो बास्केट मैंने यूज़ कर लिया, क्योंकि चीजें इधर उधर मैंने रेडी करके रखी हुई थी। व्यूअर्स मैंने काफी ज्यादा तैयारी की थी, तकरीबन इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 3 दफा ट्राई किया था, और फाइनली फिर इसमें सपना ने सारी की सारी चीजें इसमें डाल कर रख दी। वो कहती है अब इसमें चीजें सेव रहेंगी, जब मैं तुमने वीडियो बनानी उस चीजें निकालना और अपनी दिखा लेना। मैंने कहा ठीक हो गया, और ये कुछ ड्रेसेस वगैरह और कुछ और चीजें वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये वाली सारी चीजें निकाल के आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले व्यूअर्स जो ईदी गिफ्ट हैं जो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे भेजे थे, गिफ्ट जैसा भी हो दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो गिफ्ट होता है वो गिफ्ट ही होता है, क्योंकि उसने इतने प्यार से भेजा होता है इसलिए। तो सबसे पहले ये वाला मैं आपके साथ गिफ्ट शेयर करती हूँ। कुछ इस तरह से इसकी पैकेजिंग देखें, कुछ इस तरह से था, और अंदर भी जो कुछ है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। व्यूअर्स सबसे पहले ये देखें इतनी प्यारी ये मेहंदी, देन एक बॉल पेन है जो कि काफी अच्छा लिखती आई थी, मैं लास्ट टाइम ट्राई किया था उसके मुझे पसंद आई थी तभी उसने मुझे ये भेज दिए। तो पिंक कलर में कुछ इस तरह से इसका कलर है ये, और साथ व्यूअर्स ये बैंगल्स, ये देखिए रेड कलर की बैंगल्स जो कि मैंने ऑलरेडी व्हाइट कलर की पहनी हुई है, ये रेड कलर की हैं। ये तीन चीजें हैं जो कि उसने काफी ज्यादा उसके फ्रेंड्स वगैरह होंगी, स्कूल फ्रेंड्स होंगी, कॉलेज फ्रेंड्स होंगी, तो उसने मुझे भी याद रखा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। तो इस वजह से ये देखिए ये रेड कलर की बैंगल्स इसमें ये शामिल है, और साथ मेहंदी और कुछ और भी चीजें हैं जो मुझे याद नहीं है कि क्या पैकेट पैक, लेकिन जो मेन चीजें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। सबसे पहले ये वाला पैकेट आया था मुझे, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड की तरफ से आया था। इसके बाद व्यूअर्स मैं आपके साथ दूसरा शेयर करने लगी जो मुझे ईद गिफ्ट मैंने आपके साथ ये वीडियो भी शेयर की होगी कि मेरे लिए स्पेशल लेके आया था, और इतना प्यारा बच्चा, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करने लगी। तो फाइनली आज मैं इसको आपके साथ शेयर करने लगी। इसमें क्या है, मैं काफी ज्यादा मतलब मैंने देखा हुआ है, मुझे तो पता है व्यूअर्स, लेकिन सबसे पहले इसमें ये कार्ड है, लिखा हुआ ईद मुबारक फ्रॉम अलीना, देन ये लिखा हुआ इतनी प्यारी उनकी राइटिंग, ये देखें व्यूअर्स कुछ इस तरह से लिखा हुआ, होप यू ऑल हैव अ ब्लेस्ड डे विद योर फैमिली एंड लव वन। तो व्यूअर्स इतना कुछ अच्छा लिखा हुआ है, और मतलब काफी ज्यादा तैयारी, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा पैकेज बनाए थे, और काफी ज्यादा इन्होंने हर एक फ्रेंड्स को दिए थे मुझे पता है। इवन के वो जो छोटा बच्चा आया हुआ था इब्राहिम उसका नाम है, तो सर का बेटा है आपको पता है, ये उसने सबको दिए थे। काफी लंबी डिटेल होगी आई नो, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ शेयर कर, इस वजह से मैंने शेयर किया। और यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, लिखा हुआ लव्ड वन, तो ये वाला कार्ड है इसमें सबसे पहले, देन ये है ये वाली बैंगल्स है व्यूअर्स, ये ग्लिटर में और है गोल्डन, ये बैंगल्स और ये बिल्कुल सिंपल, ये जो कांच की होती है वो वाली, दो किस्म की बैंगल्स है इसमें, और इसमें मेहंदी भी थी जो कि हमने यूज किया मेहंदी, आपको पता है इतने बच्चे आए हुए थे लगवाने के लिए, देन मेरी कजन्स थी, दूसरी कजन्स थी, इस वजह से मेहंदी लगवाई हमने वो। तो इस तरह से वो पूरा पैकेट, दो बैंगल्स थी, कार्ड था और साथ मेहंदी थी, उस तरह ये वाला सारा कुछ ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। नेक्स्ट जल्दी जल्दी शेयर करती हूँ, आई नो कि आप लोग कहेंगे इसमें काफी सारा टाइम लग रहा है, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन बोथ ऑफ यू, दोनों फ्रेंड्स को मैं बोलती हूँ। इसके बाद भी कुछ हम चीजें लेके आए थे। अच्छा अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी आपको मेरा ड्रेस, मैंने आपको दिखाई ड्रेसेस दो दिखाए थे जो मैंने बनवाए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं बने, पर्पल वाला भी नहीं बना और पिंक वाला भी नहीं बना, बल्कि उसमें वीडियो चांद रात पे मैंने एक और आपको ड्रेस दिखाया था, शायद आपने देखा होगा, वो मैंने कुछ करने के लिए डाला हुआ था, तो उसके साथ ये कुछ मैचिंग है। आपने मुझे ये बताना है, जरूर कमेंट करना है कि मेरा जो ड्रेस है जो मैंने ईद के लिए बनवाया था, जो कि मैंने वेयर नहीं किया, इंशाल्लाह वेयर करूंगी, स्टाइल करके आपके साथ शेयर करूंगी, वो आपने मुझे बताना है वो किस कलर का है और किस कॉम्बिनेशन का, कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने गेस किया सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी ज्यादा वीडियोस बनाती हूँ तो आप इतना गेस करके तो बता सकते हो मेरे ड्रेस का कलर क्या है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो मैं थोड़ा सा आपको क्लू देती रहती हूँ, इस वीडियो में आपको सारा क्लू मिल जाएगा, आई एम श्योर आप जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता देंगे।
कुछ इस तरह से ब्लैक, और ये भी ब्लैक है। ये मैंने दोनों चीजें रखी हुई है, ये ऑप्शनल है, जो मुझे पसंद आएगा मैं इनमें से वेयर करूंगी। हो सकता है मैं ये वर्क कर लूँ, हो सकता है मैं ये वेयर कर लूँ, है ब्लैक के ये ब्लैक कॉम्बिनेशन, लेकिन मैं खुद बता रही हूँ। तो वीयर्स अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये बीबी क्रीम, जो कि अरीना गोल्ड बीबी मतलब एज अ फाउंडेशन है, बहुत अच्छा है। और आर स्किन टाइप के लिए मैंने ये यूज किया, अगर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मतलब काफी ज्यादा बोला गया है कि ये यूज करें, ये काफी अच्छा है। जितना आप मतलब एक आल इन वन है ना, इस वजह से मैं यूज करूंगी, अगर मुझे अच्छा लगा तो आप भी फिर जरूर मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आप भी ट्राई कीजिएगा। तो ये तो हो गया, इसमें इस तरह की ये ट्यूब टाइप बना हुआ है, काफी ज्यादा इसमें फाउंडेशन टाइप है, और इसे हम मतलब ब्यूटी प्लानर के थ्रू कर सकते हैं सारा कुछ। वो भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी ना, जब रेडी होंगे तब आपसे शेयर करूंगी। इसके बाद ये साया का मोस्ट फेवरेट, साया का मोस्ट फेवरेट उसका परफ्यूम, उसने काफी ज्यादा मतलब उसने कहा था कि मुझसे नहीं दूसरे वाले समझे जाते ना वो, मैं मतलब फ्रेगरेंस उसे नहीं बहुत सूट करती, लेकिन इसकी फ्रेगरेंस उसे सूट की है और इसे पसंद भी आया कि ये बहुत अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है। ये मैं दिखाती हूँ आपको, तो ये उसका फेवरेट है, इस वजह से उसने ये बहुत कोशिश से बहुत ज्यादा मेहनत से लिया आई नो, लेकिन इसकी जो फ्रेगरेंस है ना बहुत अच्छी है, इस वजह से उसे सूट किया। तो बहुत ज्यादा मैं भी करती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है मेरा नोज बांध देता है आपको पता है, लेकिन आई एम श्योर सायरा को जो मेरी वीडियो बना रहा है उसको पता चल गया आएगा। लेकिन अब मेरा नोज मुझे लगा थोड़ा बेटर है, लेकिन इंशाल्लाह खुल जाएगा आपकी दुआओं से, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके साथ व्यूअर्स मैं आपको शेयर करती हूँ मेरी जो इसके बाद व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, काफी ज्यादा मेकअप वगैरह मैं करती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरे पास हो कलेक्टर, लेकिन अब मेरा बहुत ज्यादा दिल करता है मेरे पास इतनी ज्यादा मेकअप कलेक्शन हो, इसलिए जो जो चीजें मुझे मिलती रहती है ना, जहाँ से जिस तरह भी मिलती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अभी देखें ये काफी ज्यादा ब्लश ऑन है, और ये देखिए मुझसे खुली नहीं, खुली है एंड गॉट, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कुछ इस तरह से हर कलर है, हर एक चीज है। तो मैं ये भी अप्लाई करूंगी, वो बहुत ज्यादा इतने ज्यादा मैं अभी से थोड़ा चेक करती हूँ, ये देख बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिया और इस तरह हो गए, ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मेरे पास जो पहले वाला वो भी बहुत अच्छा, लेकिन मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा था क्योंकि ये मैट में भी है, कुछ ग्लिटर में भी है, इस वजह से। देन व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये देखें व्यूअर्स मेरे मोबाइल का कवर, जो कि मेरे भाई ने अपनी पसंद से किया है, और वॉइस को एकदम समझ नहीं आता कि किस तरह की कोई चीज, लेकिन उसने मुझे ईद पे ये दिया, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। इंशाल्लाह जल्दी से मैं इसे कवर मतलब इसे केस भी बोलते हैं आजकल, कवर भी बोलते हैं मोबाइल कवर वगैरह, लेकिन मुझे मोबाइल कवर बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर करी। इसके तो बड़े ज्यादा नए नाम है, तो इंशाल्लाह जल्दी से इसके पूरी तरह कवर करके मोबाइल की सेल्फी लेके आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद व्यूअर्स छोटी मोटी चीजें हैं, और ये देखें ये भी मेरी ड्रेस, ये भी मेरी है व्यूअर्स, और ये भी मेरी है, ये सारी छोटी छोटी चीजें मैंने ली हुई है काफी ज्यादा, क्योंकि हमने ईद के लिए तैयारी करके रखी हुई थी व्यूअर्स। ये देखें आई लैशेज भी ली, ये हेयर स्टाइल के लिए कुछ लिया, लेकिन मौका ही मिला था यूज करने का, इंशाल्लाह करेंगे तो आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए मैंने हर चीज ली हुई है, अब स्पेशल चीजें आ गई हैं जो मैंने आपके साथ स्पेशली शेयर करनी है, तो ये वाली सारी चीजें शेयर करती हूँ। ये हेयर पिंस हैं, कुछ सेफ्टी पिंस हैं, कुछ आई लैशेज हैं, ये आई लैशेज कम है, और ये बैंगल्स हैं, ये मेरी भी हो सकती है सारा की भी हो सकती है, लेकिन आपने ड्रेस बताना है और कॉम्बिनेशन बताना है, ये सारा कुछ आपके साथ शेयर कर लिया। देन आपके साथ शेयर करती हूँ ये सपना के लिए हमने ईद पे ये लिए थे इयररिंग, आपने आई एम श्योर वैसे तो देख नहीं होंगे, लेकिन क्लियरली मैं आपके साथ रखती हूँ क्योंकि ये उसके ड्रेस के साथ मैच करते थे, उसने काफी ज्यादा पसंद किए थे, उसे ये पसंद भी हैं, उसे अच्छे भी लगेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप उसके बालों की जो लेंथ है काफी ज्यादा लंबी हो गई है, तो जब वो ये करेगी तो उसको बहुत ज्यादा सूट करेगी इस वजह से। तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ये सायरा और मेरी, काफी ज्यादा हमने कोशिश के साथ इस तरह की ढूंढे और फाइनली हमें मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ये भी आपने देखे होंगे, ये हम जब अब्दुल्ला मॉल गए थे तब लिए थे, और ये सायरा के फेवरेट है मल्टी में, सारा कह रही हर ड्रेस के साथ हो जाएंगे, कलर ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते, इसलिए मल्टी वाले बहुत ज्यादा अच्छे रहते। और ये मामा के तकरीबन सब की चीजें कम्प्लीट है, मामा ने भी अपने नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर के लिए ये सारी चीजें ली थी, इस तरह
बड़े भी उनके हैं लेकिन ये वाले भी वो पहनती है, तो पता ना आपको यहाँ तक उनके इतने ज्यादा बने हुए, मेरे तो अभी 3 बने हुए, उनके 5-6 बने हुए। और ये देखिए रिंग जो मैंने देखी थी वियर्स, इस रिंग के लिए हमने स्पेशली हमने हाफसंबा से ये शॉपिंग की थी रिंग्स के लिए सिर्फ, अदरवाइज हमने को नहीं थी करनी। ये देखिए ये वाली रिंग मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, मैंने भी ली, साइडर भी ली, इस तरह से हमने मतलब सबके लिए एक एक ली। फिर हमने बोला कि एक जैसी लेके क्या करनी, कुछ और डिफरेंट करते हैं, तो हमें और कोई पसंद नहीं थी यार इसके अलावा, इस वजह से हमने एक जैसी ले ली सारी। ये भी चक्कर मेरे ही है, तो इस तरह सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर कर दी है। मुझे लग रहा है कि आपको आई एम श्योर पता चल गया होगा मेरे ड्रेस का कौन सा कलर है, कौन सा कॉम्बिनेशन है उसके साथ। तो ये देखेंगे साथ ये भी चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, आपने देख तो ली होंगी लेकिन फिर भी क्लियर मैं आपको दिखाती हूँ। तो वियर्स ये देखें ये ब्रेसलेट, आई नो कि मेरे जो ये दाग हैं इस वजह से अभी नहीं अच्छा लग रहा होगा लेकिन ये है बहुत ज्यादा अच्छा। ये देखिए कुछ इस तरह से, और साथ ये देखें एक और रिंग, अभी ये इकट्ठा हुआ है सारा कुछ क्योंकि ये पहना था सायरा ने, सायरा को मौका मिला था। और ये पायल है, पायल मैं ले आई हूँ, इंशाल्लाह वेयर करूंगी और आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। जो मुझे कमेंट कर रहे थे काफी ज्यादा कि पायल वेयर करें, जल्दी जल्दी से पायल पहने, तो इंशाल्लाह पहन के जरूर शेयर करूंगी। अभी की ये चीजें सारी खत्म हो गई है वियर्स, और ये वाली जो स्पेशल चीजें आई थी मैंने ट्रैवल विद कॉन्फिडेंस प्रोटेक्टिव किट है वो मैंने आपके साथ लास्ट टाइम थोड़ी शेयर की थी, मैंने कहा एक दफा अंदर से शेयर कर लेती क्योंकि ये पापा स्पेशली लेके आए थे, पापा ने कहा आपके साथ पास सारी चीजें होनी चाहिए, सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क। अंदर से इतनी अच्छी इनके जो मास्क है हमारी तरह नहीं है, फिट भी हो जाते हैं वियर्स और बहुत अच्छे हैं। जो बाई की चीजें होती हैं, जो फॉरेन की चीजें होती हैं, वो चीजें तो फिर चीजें ही होती हैं ना वियर्स, इतने ज्यादा। ये ग्लव्स पापा ने कहा मैंने यूज ही नहीं किया, मुझे मौके ही नहीं मिला, इस वजह से अभी वो भी मास्क पड़ा हुआ है वियर्स, बहुत अच्छा है। जिस तरह आप मतलब करें फिट उसी तरह फिट हो जाता है। ये पाते तो काफी हुए, ये माइक लेके आए हैं, इसमें ब्लैक कलर है, तो ये मुझे नहीं पता कि क्यों आया, किस तरह आया, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि ये पापा ने क्यों मंगवाया, इसका रीजन शेयर करूंगी जरूर। अभी फिर वक्त मुझे खुद नहीं पता ये क्लियर क्या बात है इसकी। पॉप स्टार इस तरह तो मैं काफी ज्यादा अच्छा गाना गा सकती हूँ, लेकिन आजकल मेरी आवाज है। अभी फिर वक्त इसमें बोला करूंगी, मुझे लग रहा है पता नहीं किस तरह का ये पापा ने किस मकसद के लिए मंगवाया, ये पापा को और मामा को पता है फिर वक्त, लेकिन इससे काफी ज्यादा अंदाजा लगा सकती है कि हम कोई स्पीच कर सकते हैं, कोई नाच वगैरह, कोई गाना वगैरह गा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा एक्टिंग कर लेती हूँ। वियर्स ये वाला तो हो गया सारा काम, अब ये ड्रेसेस हैं। अब ये ड्रेसेस मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकती, ये आपको मैंने दिखाया था जब हम गए हुए थे, काफी ड्रेस लेके आए थे। और ये मामा का ड्रेस है, मामा का और मेरा, मामा का मेरा ड्रेस है और तकरीबन एक जैसा ही है। और ये देखेंगे ये भी ड्रेस, लेकिन जब वो खुद पहनेंगी, वो स्ट्राइक करेंगी, वो खुद शेयर करेंगी क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियोस वगैरह बनानी होती है, पिक्स बनानी होती है, तो मैं अगर सारा कुछ शेयर कर लूंगी तो उन्होंने फिर बाद में मुझे कहना क्यों आपने ऐसा किया। इस वजह से मैंने अपना ड्रेस नहीं दिखाया, मैंने कहा वेयर करके आपको शेयर करूंगी। तो खैर ये वाली तो मैंने आपको साथ बता दिया, लेकिन वो स्टाइल खुद करके दिखाएंगी। अभी के लिए मैंने सारी चीजें दिखा दी आपको ऑलमोस्ट, अभी भी इसमें चीजें कम है व्यूअर्स, काफी कम है, कुछ मिल गई है कुछ नहीं मिली। खैर अभी के लिए मुझे नहीं इजाजत, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, आपका करिएगा प्लीज, लव यू आर।